तरक्की की दुनिया में, सेल्स की दुनिया में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक कप चाय की। एक कप चाय थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। ये एक कप चाय आपको ह्यूमन बिहेवियर सिखाएगी, ये एक कप चाय आपका डिसिप्लिन बनाएगी, ये एक कप चाय से आप अपने बिजनेस को 3 गुना बड़ा कर सकते हैं, ये एक कप चाय से आप MDRT, COT, TOT कर सकते हैं। तो दोस्तों ह्यूमन बिहेवियर और एक कप चाय की सेल्स प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आप एक नए फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिसके पास 10 ग्राहक से ज्यादा नहीं है, पुराने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिसके पास 300-400 ग्राहक हैं, या ऑलरेडी TOT एजेंट हैं, 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले बिजनेस प्रोफेशनल है, ये एक कप चाय आपको एग्जिस्टिंग लेवल से 3 गुना ऊपर ले जाएगी। आप साल का 10 लाख कमाते हैं या साल का 1 करोड़ कमाते हैं, मैं 3 गुना धंधा करने की बात कर रहा हूं, ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूं, एक कप चाय की बात कर रहा हूं। अभी आप मान लीजिए बिजनेसमैन है और आपको नए क्लाइंट बना ले, आप कोई टीम मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, आपको अपना टीम बड़ा करना है, एम्प्लॉइज बड़े करने हैं, बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना है, या आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, MDRT, COT, TOT करना है या डबल TOT करना है, ये एक कप चाय सब कुछ करा सकती है। ह्यूमन बिहेवियर की बात की थी हमने। हमारी लाइफ में होता है जाने अनजाने में भूलने की गलती सबसे होती है, घर में शादी हो या कोई मर गया हो, चाय पीना हम नहीं भूलते दोस्तों, हम सब कुछ भूल जाते हैं, चाय पीना नहीं भूलते, यही ह्यूमन बिहेवियर है। इसी एक कप चाय को हम बिजनेस में लागू करेंगे। हम ट्रेनिंग लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, एम्प्लॉइज रखते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलते, एग्जीक्यूशन नहीं होता, क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है, भूल जाते हैं, जाने अनजाने में रोज गलती करते हैं और रिजल्ट नहीं आता। वो गलती ये एक कप चाय का डिसिप्लिन सुधार देगा, काम होने लगेगा, एग्जीक्यूशन होने लगेगा। अभी हम अपने दिमाग में घुसते हैं। एक इंसान का दिमाग, आपका दिमाग, मेरा दिमाग, एक बिजनेस प्रोफेशनल का दिमाग, जरूरी काम जरूर हो, रोज हो, बार बार हो, ये जरूरी है, लेकिन हो नहीं पाता। हम टारगेट लेते हैं, अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, जरूरी काम और गैर जरूरी काम के बीच में डिफरेंस नहीं हो पाता। पिकनिक का प्लान बन जाता है, मूवी का प्लान बन जाता है, कुछ जरूरी काम आ जाता है, जिसके चक्कर में जरूरी काम आपके हिसाब से था, आपके बिजनेस के लिए काम कोई और जरूरी था और जरूरी काम नहीं हो पाता। अभी मैं फिर बोल रहा हूं, एक कप चाय आपका जो जरूरी काम है, बिजनेस का जरूरी काम है, उस बिजनेस के जरूरी काम को जरूर कराएगी, रोज कराएगी और बार बार कराएगी। इस मीटिंग में सब सेल्स प्रोफेशनल बैठे हैं, हम सब लोग माल बेचते हैं, हमको प्रोडक्ट बेचने का पैसा मिलता है, तेल, साबुन, शैम्पू, कंघी, जीवन बीमा या ट्रेनिंग, कुछ भी बेचो, हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने के लिए क्लाइंट से मिलना जरूरी है। पर्सनली जाके मीटिंग करें या ऑनलाइन वेबिनार करें या उसे मेरे ऑफिस बुलाएं, मिलना जरूरी है। ये मीटिंग नहीं होगी तो बिजनेस नहीं आएगा, ये मीटिंग नहीं हुई तो टारगेट अचीव नहीं होगा। और हमारे बिजनेस में मीटिंग करने के लिए जरूरी है फोन कॉल, कस्टमर को फोन करना पड़ेगा, हम फोन नहीं कर पाते, फोन नहीं कर पाते इसलिए मीटिंग नहीं हो पाती। और फोन क्यों नहीं कर पाते, देखो सेल्स के प्रोफेशन में ना, खास तौर से अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर की बात करूं, ये तो एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है, एक पॉलिसी रोज बेचना, एक कस्टमर रोज बनाने के लिए 3 लोगों से मिलना पड़ेगा और 3 लोगों से मिलने के लिए 20 फोन कॉल करने पड़ेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है, 20 फोन कॉल करूंगा, 3 मीटिंग होएगा, 1 कस्टमर बनेगा। लेकिन ये जानने के बावजूद हम जानते हैं फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है, गैर जरूरी काम बीच में आ जाते हैं,
और जरूरी काम रह जाता है। वो जरूरी काम क्या होता है कि दोस्तों काम में बिजी है, सुबह से लेकर शाम तक वर्कलोड है, ट्रैवलिंग में पूरा दिन जाता है, क्लाइंट की क्वेरी सॉल्व करने में दिन बीत जाता है, अपने मैनेजर से, डेवलपमेंट ऑफिसर से, ब्रांच मैनेजर से मिलने में दिन खत्म हो जाता है। और हम जरूरी काम, देखो जरूरी और गैर जरूरी का ही डिसिप्लिन मैं बताना चाहता था। जरूरी था कि मैं 20 फोन कॉल कर लूं, इसी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के 20 कॉल करूं, 20 कॉल कर लेता मीटिंग हो जाती। वो 20 कॉल नहीं होते, ये एक कप चाय वही आपके 20 फोन कॉल कराएगी। आज के बाद बस आपको एक कसम खानी है, एक प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है, दिमाग में प्लानिंग करनी है कि लाइफ में जब भी चाय पीऊंगा मेरे को 5 फोन करने का। जो चाय नहीं पीता वो कॉफी पीता होगा, कुछ लोग कुछ और चीजें भी कंज्यूम करते होंगे, तो मुझे अपने मोबाइल फोन में ये अलार्म लगाना है, ये अलार्म जो है ना डेली रिपीट वाला कमांड डालना है कि रोज 11 बजे, रोज 2 बजे, रोज 4 बजे और 8 बजे अलार्म बजेगा। और जब 11 बजे ये अलार्म बजेगा तो मुझे याद आना चाहिए कि सबसे जरूरी है फोन कॉल, और मैं अपने 5 फोन कॉल करूंगा। मीटिंग में हूं, स्नूज कर दूंगा, 11:30 बजे कर लूंगा। दोस्तों अगर मैं 11 बजे 5 फोन करता हूं, फिर 2 बजे 5 फोन कॉल करता हूं, फिर 4 बजे एक फिर टी ब्रेक का टाइम निकालता हूं, चाय पिया नहीं पिया मैटर नहीं करता, चाय पीने के लिए समय निकाला और उसमें फोन कॉल किया वो मैटर करता है। दोस्तों ये 11 बजे 2 बजे 4 बजे 8 बजे का डिसिप्लिन ह्यूमन बिहेवियर में ऐड करना है कि कुछ भी हो लाइफ में रोज का 20 फोन कॉल करना है। और हम कुछ ऐसा टाइम मैनेज करेंगे, प्रोडक्टिव वर्सेस नॉन प्रोडक्टिव काम में डिफरेंशिएट करना है, कौन सा काम दिन में हो सकता है, कौन सा काम दिन के बाहर हो सकता है। मुझे अपना ट्रैवलिंग टाइम चेंज करना है, अगर मैं LIC ब्रांच या अपने ऑफिस के लिए घर से निकलता हूं तो 10 बजे नहीं निकलना, 7 बजे निकलो, 8 बजे निकलो। यात्रा करना, कार चलाना नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव आवर में खत्म करो, सो दैट आई शुड रीच ऑफिस एट 10 AM। 10 से लेके 11 के बीच में सारे काम निपटा दो और 11 बजे आई शुड बी अवेलेबल टू मेक माई 5 फोन कॉल और 20 फोन कॉल। आई नीड टू चेंज माई डिसिप्लिन, मुझे मेरे दिमाग में वो कमांड फिट करने का है कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, वर्किंग टाइम 10 से 6 का टाइम सिर्फ फोन कॉल और मीटिंग के लिए बना है, उस दौरान मुझे नॉन प्रोडक्टिव काम नहीं करना, ट्रैवल करना 6 बजे के बाद करो। मुझे कमांड फिट करनी है कि गाड़ी चलाते चलाते मुझे ट्रैवल टाइम चेंज करना है, सुबह सुबह निकलो ना घर से जब फोन कॉल नहीं हो सकते, लैपटॉप को लैप पे रख के बेडरूम में ही ईमेल भेज देने का है, so that I should be free at 10 AM to make my phone call। मैं करता हूं ये फॉलो जो आपको बता रहा हूं, मैं 9 बजे से पहले सब काम खत्म कर देता हूं, मैं अपना लैपटॉप और व्हाट्सएप फिर 6 बजे के बाद ऑन करता हूं। दिन में सिर्फ फोन करना है, मीटिंग करना है। जरूरी और ना जरूरी कामों का डिफरेंस समझो, जरूरी काम है फोन करना, तभी मीटिंग होएगा, तभी बिजनेस आएगा, बाकी काम बाद में। और आप बहुत बिजी हैं, रोज ऑफिस जाना पड़ता है, बिना आपके ऑफिस गए काम नहीं होता, तो वीकली कैलेंडर बना लो, हर सोमवार, हर बृहस्पतिवार और एनी ट्यूसडे और वेडनेसडे स्टार्ट गिविंग वीकली और अल्टरनेट डेज टू योरसेल्फ टू मेक यू लॉकडाउन फॉर 1 डे। अपने आप को लॉकडाउन करो, हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन बनाओ, उस लॉकडाउन में आप अपने बेडरूम में अपने आप को बंद करो और ट्राई टू मेक 100 फोन कॉल। आप रोज का 20 कॉल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक दिन में 100 फोन कॉल होते हैं, मैं करता हूं, पॉसिबल है। हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन बनाओ, एक दिन का छुट्टी लो बिजनेस से और फोन कॉल करो। और आपके बैक टू बैक मीटिंग है, दिन में 3-4 ऑफिस में जाना होता है, 5-7 लोगों से मिलना होता है, तो 2 मीटिंग में 30 मिनट का गैप रखा करो। अगले कस्टमर के घर जब जाओ तो 30 मिनट एडवांस में जाओ, कार में बैठे बैठे 5 फोन कॉल मिला लो, कस्टमर के घर के बाहर खड़े होके पार्क में बैठे बैठे भी
5 फोन कॉल किए जा सकते हैं, तो मेक योर डिसिप्लिन, आई हैव टू मेक 20 फोन कॉल, 5 कॉल्स एट 4 डिफरेंट टाइम इन अ डे, ग्राहक के घर घुसने से पहले भी मैं 5 फोन कॉल कर सकता हूं, मैं शॉपिंग पे जाता हूं, मेरी बीवी अंदर शॉपिंग करने गई, वो नया ड्रेस पहन के देख रही है, मैं बाहर झोला लेके खड़ा हूं, आई कैन मेक माई 5 फोन कॉल, मैं पीटीएम में जाता हूं, मेरे बच्चे की टीचर से मेरे को मिलना है, मेरा नंबर आने में 5 मिनट बाकी है, आई कैन मेक माई 5 फोन कॉल। मेरे को दिमाग में ये डिसिप्लिन बिठाने का है कि 5 फोन कॉल करने का है, हर 2 घंटे के बाद 5 फोन कॉल, या कोई 1 घंटा दिन में निकाल के 20 फोन कॉल, या हफ्ते का 1 दिन निकाल करके। अभी आप बोलेंगे किसको फोन करें, मोबाइल निकालो ना जेब से, अल्फाबेट ए से जेड तक देखोगे 2000 से ज्यादा नंबर मिलेगा, इन्हीं को फोन करना शुरू कर दो, कहीं जाओ अपने फोन कॉल के डिसिप्लिन को फॉलो करो। हमारे धंधे में, सेल्स प्रोफेशन में, फाइनेंशियल एडवाइजरी में बेसिक प्रिंसिपल है 20 फोन कॉल इज इक्वल टू 3 मीटिंग इज इक्वल टू 1 डील। तो जो 20 कॉल करेगा वो पैसा कमाएगा, जो नहीं करेगा उसके लिए मुश्किल होएगा। अभी बात करते हैं नए एडवाइजर की। अभी तो ये तो वो थे जिनके पास 250, 300, 500 नंबर है। अभी अब नए एडवाइजर है, अब बोलेंगे साहब मैं कहां पे चाय पीऊं, मेरे पास तो नंबर है ही नहीं। आपका भी टी ब्रेक बनता है, लेकिन आपका टी ब्रेक 10 बजे नहीं बनता, आपका टी ब्रेक सुबह 6 बजे बनता है। घर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट पार्क में जाओ और ऐसा स्टैंडी लेके खड़े हो जाओ, जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हो। ये अमित पालीवाल आपके सामने स्क्रीन पे खड़ा है, मैंने खुद पार्कों में जा जाके क्लाइंट बनाए हैं। ये द्वारका सेक्टर 6 और रजौरी गार्डन दिल्ली के पार्क है। अर्ली मॉर्निंग 6 AM, स्टार्ट योर डे विद अर्ली मॉर्निंग 6 AM। मैं सुबह 6 बजे पार्क में खड़ा होता हूं, ऐसा स्टैंडी लेके लोग मिलते हैं, बात करते हैं। ये सब मेरे खुद के किए हुए डिफरेंट डिफरेंट कैंपेनिंग है। दोपहर में 2 बजे आपको टी ब्रेक मनाना है कमर्शियल कंपाउंड में जाके, जहां बहुत सारे कंपनियों के ऑफिस होते हैं, लोग दोपहर में बाहर निकलते हैं कुछ खाना खाने, कुछ फुट्टा लगाने, कुछ लंच के बाद टहलने, कोई फ्रूट खरीदने। वहां पे आप अपना कैनोपी लेके खड़े हो जाइए, लोग आएंगे, मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड अ कोल्ड कॉलिंग कैंपेनिंग, इट कैन बी डन इन योर नियर बाय एरिया। आप कहीं किसी शहर में रहते हो, ये फोटोग्राफ नोएडा और गुड़गांव के कमर्शियल कंपाउंड के हैं, दिस इज डिस्ट्रिक्ट पार्क जनकपुरी इन दिल्ली। आप दोपहर में निकल जाइए, लोग अपने ऑफिस के बाहर आते हैं, आपसे मिलते हैं। तो जो नया एडवाइजर है, जिसके पास टाइम है, पैसा नहीं है, वो सुबह 6 बजे पार्क में आ जाए, अपना समय खर्च करो। देखो थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी, समय दो या पैसा दो, तो आपको समय देना है दोस्तों। सुबह 6 बजे पार्क में आ जाओ, दोपहर के 2 बजे कोई कमर्शियल जोन या फूड कोर्ट जैसा एरिया देख लो, शाम को मेट्रो स्टेशन चले जाओ, बस अड्डा चले जाओ, हर वो जगह जो हाई ट्रांजिट एरिया है, जहां लोग बस से, ट्रेन से, रेलवे स्टेशन से उतरते हैं और अपने घर के लिए पैदल चलते हुए जाते हैं। दिस इज मयूर विहार मेट्रो स्टेशन, रोहिणी मेट्रो स्टेशन, कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन, और ये सारे कैंपेनिंग दिल्ली में, दिल्ली NCR में मैंने खुद किए हैं। तो आप नए एडवाइजर हो, शाम को अपना टी ब्रेक लो और यहाँ पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर लोग आपसे मिलते हैं, आपका कैंपेनिंग देखते हैं। जब आप 5-7 दिन लगातार खड़े होते हो तो लोग आपको पहचानने लगते हैं। शुरू के 2 दिन लोग पूछते भी नहीं है, मेरा लीफलेट लेके जूता पहुंच के चल देते हैं। कोई बात नहीं, अपना धंधा है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बिजनेस आता है। बट एक डिफरेंस देखना, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने कैनोपी लगाया, हमने स्टैंडी लगाया। मैंने देखा है वो कैनोपी और स्टैंडी पे पूरा बायोडाटा लिख देते हैं, बट यू सी माई बैनर्स। मैंने बायोडाटा नहीं लिखा कि मैं क्या बेचता हूं, मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है। आज प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट बेचोगे कॉम्पिटिशन आएगा, आज कॉन्सेप्ट बिकेगा। अब देखो कितना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, फोटोग्राफ बड़े हैं, कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट के बारे में मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखा। आप देखिए टर्म प्लान और मेडिक्लेम बड़ा बड़ा लिखा है, म्यूचुअल फंड SBI म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा लिखा है, और बाकी की डिटेल नीचे छोटे छोटे अक्षरों में है। तो लोग इसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, जिसके घर में छोटा बच्चा है वो इस बच्चे की फोटो और LIC के लोगों को देख के समझ जाएगा कि चाइल्ड प्लान है और उसकी इच्छा होगी तो आ जाएगा। कार की फोटो देख के समझ जाएगा कार का बीमा है, ये डॉक्टर वाला
वो सेट देख के समझ जाएगा कि मेडिक्लेम है तो कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इट शुड बी ट्रेंडिंग ऑल्सो। सारी जिंदगी एक ही सेल्स पिच, एक ही स्टैंडी, एक ही लीफलेट नहीं चलेगा, वक्त बदलता है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के टाइम पे कोरोना पॉलिसी वाज ट्रेंड, जिन्होंने कोरोना प्लान का लीफलेट लगाया, स्टैंडी लगाई, लोग उनके पास आए। सेकंड कोरोना में जब लोग मर रहे थे, लाशें बिछी हुई थी, अर्थियों की लाइन लगी थी, तब टर्म प्लान वाज द ट्रेंड, क्योंकि लोग तब सोचते हैं टर्म प्लान के बारे में। जब वायरल फीवर फैलता है, लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनसे मिलने उनके दोस्त आते हैं, सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है मेडिक्लेम था क्या। उस वक्त आपको मेडिक्लेम का स्टैंडी लगाना है, मेडिक्लेम का मैसेज सर्कुलेट करना है, क्योंकि मेडिक्लेम तब ट्रेंड बन जाता है। तो फॉलो द ट्रेंड। और अब मैं बात करूंगा आखिरी बात, क्योंकि मैंने तीन तरह के लोगों को गाइडेंस देनी थी। एक नया एडवाइजर जिसका टी ब्रेक होना चाहिए सुबह 6 बजे पार्क में और शाम को 6 बजे रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन पे। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जिसके पास 250-300-400 क्लाइंट होते हैं, थोड़ा सा मिसमैनेज होता है, हाउ ही कैन गेट मोर बिजनेस, ही मे डू 20 फोन कॉल्स इन अ डे। और अब मैं बात कर रहा हूँ टीओटी एडवाइजर की, जो ऑलरेडी टीओटी है, ऑलरेडी ऐसा बिजनेसमैन जो 1 करोड़ कमाता है, जो जस्ट रिमेम्बर द मूवी शोले। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, उन्होंने जय और वीरू को हायर किया। यू कैन हायर सेल्स प्रोफेशनल, अभी सिक्योर रहो। कपिल जी जो बता रहे थे, एम्प्लॉइज रखो। आप 1 करोड़ कमाते हो, 2 करोड़ कमाते हो, टीओटी एडवाइजर हो, दुनिया के लिए क्या करते हो? हायर द पीपल, ट्रेन देम। जय और वीरू को हायर करो, वो आपके लिए गब्बर का शिकार करेंगे, वो आपके लिए और नए क्लाइंट ढूंढ के लाएंगे। तो यदि आप टीओटी हो और आप एक और टीओटी करना चाहते हो, तो हायर द स्टाफ, स्टाफ कैन डू बिजनेस फॉर यू। अभी इनमें कोई बोलेगा साहब अपने पास तो 4 टेलीकॉलर 6 फील्ड बॉय हैं, भैया रामलाल श्यामलाल से काम नहीं चलेगा, क्लाइंट की जेब से पैसा निकालना है, गब्बर का शिकार करना है, तो एमबीए वाला, ग्रेजुएट वाला सेल्स प्रोफेशनल चाहिए। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था, अमूमन 40-45 की एज के बाद हमको बिजनेस में टाइम देना मुश्किल हो जाता है, पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, उससे पहले ही बिजनेस को ऑटोमेशन में डाल दो। 45-50 की उम्र में फाइनेंशियल एडवाइजर अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, उससे पहले ही एम्प्लॉइज रख के बिजनेस को उस लेवल पे ले आओ, ऑटोमेशन पे ले आओ, जहां पे आपके एम्प्लॉइज काम करें, आपको बस रोज सुबह 1 घंटे की रिपोर्टिंग लेनी होगी। तो मैंने आज 3 टॉपिक कवर किए, एक नए फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए, एक एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए, और एक प्रोफेशनल हाईली अर्न, जो ज्यादा पैसे कमाने वाला एडवाइजर, उसके लिए। बचपन में कहावत सुनी थी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ये कुएं की मुंडेर पर जो कोमल रस्सी होती है ना, उससे भी उसकी ईट एक दिन घिस जाती है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में बिठाएंगे, रोज का 20 कॉल करना है, रोज पार्क में जाना है, एम्प्लॉइज रखना है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ठान लेंगे तो एक दिन ये प्रैक्टिस आपके ब्लड में आ जाएगी। अभी मेरा ब्लड निकाल के उसका सैंपल करोगे ना, उसमें मेरे ब्लड ग्रुप में लिखा आ जाएगा 20 फोन कॉल करता हूं, मेरे ब्लड में आ चुकी बात, मेरे प्रैक्टिस में आ चुकी, दिमाग में केमिकल लोचा मैंने मिक्स कर दिया, बिना 20 फोन कॉल के मेरा खाना हजम नहीं होता। तो 20 फोन कॉल आपका डिसिप्लिन, कसम खाओ, स्टेक पे लगाओ, जब तक आप दाव पीने लगाओगे ना, शर्त मजेदार लगती नहीं, दाव पे लगाओ कि 20 फोन कॉल नहीं करूंगा, पार्क में जाके या रेलवे स्टेशन पे जाके कैंपेनिंग नहीं करूंगा, तो खाना नहीं खाऊंगा, तब मजा आता है। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।